तो कैसे हो? स्वस्थ होंगे आप सभी? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। और आ गया हूँ काम पर। और कल अमावस्या था तो छुट्टी थी मेरी, घर पर काम किए। आज वापस मैं इधर वडाड़ा में काम पर आ गया हूँ। तो अभी ये देखो, सारे जो पत्थर हैं, ये गैस स्टैंड प्लेटफार्म बन रहा है, गैस स्टैंड बन रहा है दोस्तों। तो इधर पास में मैं बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा खाने खाने का छुट्टी हुआ था तो खाना भी खाया हूँ, और खाना खा कर थोड़ा रेस्ट किया, और अभी काम पर वापस लग चुके हैं। तो आप लोगों को दोस्तों मैं दिखा देता हूँ अपना, ये जो गैस स्टैंड बन रहा है ना, इसको मैं अच्छे से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहे हो मेरे चैनल की तरफ, और वीडियो भी आप नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे दोस्तों। मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर करके दोस्तों ये वीडियो बनाता हूँ। शाम को जैसे जाऊँगा एडिट करूँगा, और एडिट करके दोस्तों कम से कम 30 रुपये या 40 रुपये डेली मेरे को डाटा रिचार्ज करने के लिए चाहिए। तो क्या करूँ, 40 रुपये लगाता हूँ डेली, और वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर भी आप लोग कोई देखते नहीं हो। तो अभी दोस्तों एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया कहाँ से मैंने किस तरह से तैयार किया। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस पर मैंने कल टोफ, ये जो इस पत्थर के ऊपर ये मैंने व्हाइट मार्बल बिछा दिए हैं, और व्हाइट मार्बल नीचे भी एक ये स्टेप जो है बनाया हुआ है, व्हाइट मार्बल का ही है ये भी। ये और जो खड़ा कर रखा पत्थर वो भी व्हाइट मार्बल का है, और जो ऊपर रख रखा है ये भी व्हाइट मार्बल का ही है दोस्तों। ये देखो पूरे में व्हाइट मार्बल लगा रखे हैं। अब यहाँ से दोस्तों उसके ऊपर से अब ग्रेनेड शुरू होगा। ये वाला ग्रेनेड जो है, ये ग्रेनाइट का पत्थर है ऐसे। अब ये जो है इस तरह के पत्थर है, देखो ये ग्रेनाइट पत्थर है ना दोस्तों, ये वो इसके अब ऊपर शुरू होगा। ये पट्टिया देखो, ये पट्टा मैंने 7.5 इंच का पट्टा यहाँ काट कर रख दिया हूँ, पॉलिश पॉलिश किया हूँ। अब यहाँ पर लगने वाला देखो, इसको 4 इंच का छूट रही है, 2.5 इंच बाहर निकल जाएगा पूरा का। तो यहाँ से देखो यहाँ पर ये लगने वाला है, और इधर जो है इस जगह पर इधर लगने वाला है, ये जो ये पट्टा 7.5 इंच का मैंने काट रखा हूँ, उसको भी पॉलिश करना है, मोल्डिंग करना है। मोल्डिंग करने के बाद इसको लगा दूँगा। और इधर यहाँ पर बनेगा दोस्तों जो डिजाइनदार ग्रेनाइट का घोड़ा बनेगा, इसको हम इधर मारवाड़ी में घोड़ा बोलते हैं, आपको इधर क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं, हमारे इधर मारवाड़ी बोली जाती है, तो मारवाड़ी हम इसको घोड़ा ही बोलते हैं इधर। और दोस्तों देखो ये बन रहा है, तैयार हो रहा है। आज काम जो है यही, और आज 9 अप्रैल 2024 है, और इधर ये काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है किचन के नीचे वाले फर्शी काट दी गई है, इधर नीचे लगाने के लिए फर्शी काट के रेडी कर दी। अब जो कटिंग हो रहा है दोस्तों ना, वो रखे सामने वो देखो वाले, और ये कटिंग हो रहा है। ये है इस कमरे के, ये कमरा है, इसके अंदर लगने वाला है, और एक कमरा है दोस्तों सामने वो वाला, देखो वो कमरा उसमें लगने वाले हैं दोनों में। अभी हॉल की कटिंग बाद में होएगी, और इधर से जो काम चल रहा है वो तो आप लोगों को मैंने दिखाया पिछली वीडियो में, ये सीढ़ियाँ की सही हो रही है, और फिनिशिंग से हो गई है, काम कोई बाकी तो नहीं रहा, एकदम फिनिशिंग इस पर आ गई है, पॉलिश भी अच्छे से उस पर हो गई है। ये देखो मैं हाथ घुमा रहा हूँ तो मैं एकदम हाथ फिसल रहा है, जैसे इधर पॉलिश है इधर भी ऐसे हो गई है। देखो वाइट पट्टी बीच में लगा रखी है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखो सब में लगा रखी है दोस्तों सीढ़िया में, तो सीढ़िया जो है सारी घिस चुकी है, तैयार हो गई है, बस अब कुछ नहीं है। देखो सारी पट्टियाँ भी करके सही हो चुकी है, जो ये फ़ोटो फ्रेम में लगने वाली खिड़की दरवाजे में लगने वाली है, देखो सारी। और बड़ा जो ये है, एक बड़ा ये चौकटा है नाल का, ये भी सही हो रहा है। तो लगभग जो है काम कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ अभी लगाना बाकी सब काम को,
जितने भी ये माल हम तैयार कर रहे हैं ना उसको लगाना बाकी है। ठीक है दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने, और बस आज के लिए ही। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये पट्टियाँ हम लोगों ने घिंच ली है, मैं और एक कारीगर और है दिनेश, दोनों मिलकर ये पट्टियाँ घिसी है, और इतनी अच्छी फिनिशिंग, इतना बारीकी से काम किया ना कि जैसे कि इसकी जो पॉलिश है वो ऐसा लग रहा है कि आगे से कंपनी से ही बन के आई है। ये देखो किस तरह से मोल्डिंग किया है, और मोल्डिंग के ऊपर ये हम लोगों ने पॉलिश किया है, चमक रहा है दोस्त। तो आप भी अगर ऐसे काम करवाना चाहते हो, प्लेटफार्म बनाना हो किचन का, टाइल्स लगवानी हो किचन में, टाइल्स लगवानी हो बाथरूम में, टाइल्स लगवानी हो नीचे, फर्शी लगानी हो और नाल की सीढ़ियाँ बनवानी हो, तो ऐसे अगर काम आप लोग करवाना चाहते हो मार्बल का सारा काम, अच्छा फिनिशिंग और अच्छे रेट में हम लोग काम कर देते हैं, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लेंगे और काम भी आप लोगों को अच्छा करके देंगे। तो दोस्तों आप लोग मुझे संपर्क कीजिए, और आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो तो कमेंट में मेरे को लिखना, उसी के बाद मैं अपना नंबर देख कर आप लोगों से बात कर लूँगा।